Помни имена, лица, номера. Я помню только пин-код за мастер-класс. Походка от бедра, это я иду в магаз. हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सोमिक। तो गाइज, मैं फिर से आ गया हूँ आप लोगों के लिए एक और न्यू वायरल रील्स वीडियो एडिटिंग का ट्यूटोरियल लेके। तो गाइज, इस छोटा सा वीडियो को पूरा देखने के बाद आप भी अपने पसंद का फोटो से प्रीव्यू को जैसा एक वायरल वीडियो बहुत ही आसानी से बना पाओगे। तो गाइज, जरूर वीडियो को पूरा देख लेना। और गाइज, वीडियो पूरा देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को एक लाइक कर देना। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं रोज इस तरह का न्यू ट्रेंडिंग वीडियो एडिटिंग का ट्यूटोरियल इस चैनल पे अपलोड करता हूँ। तो गाइज, चलिए बिना देरी करते हुए आज का ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को भी इन ऐप को ओपन कर लेना है। अगर आपके पास ये ऐप नहीं है तब इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। देन ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल नीचे प्लस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक कर देना होगा। देन गाइज, आप लोग ऊपर में वीडियो के बगल में फोटो ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके इधर से पहले आप लोग एक ब्लैक फोटो को सिलेक्ट करना होगा। तो इस ब्लैक फोटो का डाउनलोड लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर दे रखा है, उधर से इसको डाउनलोड करके यहाँ पे पहले इसको सिलेक्ट कर लेना। तो ब्लैक फोटो सिलेक्ट हो जाने के बाद आप लोग यहाँ पे आप जिसका फोटो से इस वीडियो को क्रिएट करना चाहते हो सिंपली उसका 8 फोटोज के यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। और गाइस, यहाँ पे मैं जो फोटो यूज कर रहा हूँ, अगर आप लोग इसको लेना चाहते हो तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाना, वहाँ से आप लोग बहुत ही आसान से इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो गाइस, यहाँ पे 8 फोटो सिलेक्ट हो जाने के बाद आप लोग नीचे एरो ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना होगा। देन फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग ऊपर में ओरिजिनल ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके इधर से 9:16 रेशियो को सिलेक्ट कर लेना है। देन इधर से डन कर लेना है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे एक सॉन्ग को ऐड करना है। तो सॉन्ग का भी डाउनलोड लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, उधर से सॉन्ग को डाउनलोड कर लेना। देन यहाँ पे इसको ऐड करने के लिए आप लोग यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, नीचे म्यूजिक ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। देन इधर से माय म्यूजिक ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके अपने म्यूजिक लाइब्रेरी से डाउनलोड किए हुए सॉन्ग के बगल में जो चूज का ऑप्शन दिखाई दे रहा है सिंपली यूज ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। देन आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल नीचे म्यूजिक बीट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। देन इस सॉन्ग के ऊपर लोगो टोटल 8 बीट मार्क को ऐड करना है। कहाँ पे ऐड करना है आप लोग साइड पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे टाइमर दे रखा है। जैसे कि आप देख सकते हो फास्ट टाइमर 2.60 सेकंड पर ऐड करना है। तो यहाँ पे उस टाइमर को फॉलो करके इस तरह से खींचकर के पहले फास्ट टाइमर के ऊपर चले जाना। तो फास्ट टाइमर के ऊपर आ जाने के बाद आप लोग नीचे रेड कलर फ्लैग के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करोगे तो एक बिटमार्क ऐड हो जाएगा। फिर से आप लोग को नेक्स्ट टाइमर के ऊपर जाना है, फिर से नीचे फ्लैग के ऊपर क्लिक करके बिटमार्क को ऐड करना है। तो कुछ इस प्रकार से आप लोग एक एक करके सारे बिटमार्क को ऐड कर लेना। तो गाइस, मैं आप लोगों को जल्दी से करके दिखा देता हूँ। तो सॉन्ग के ऊपर सारे बिटमार्क ऐड हो जाने के बाद आप लोग को नीचे राइट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। फिर से नीचे राइट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे तो ये सॉन्ग यहाँ पे ऐड हो जाएगा। सॉन्ग ऐड हो जाने के बाद आप लोग नीचे जो ब्लैक कलर फोटो है इसके ऊपर क्लिक करना है। देन इसका ड्यूरेशन खींच के आप लोगों को फास्ट बिटमार्क जितना दूर है उतना दूर कर लेना है। देन इधर से डन कर लेना है। उसके बाद में जो फोटो है इसके ऊपर भी क्लिक करना है, इसका भी ड्यूरेशन आप लोग को नेक्स्ट बिटमार्क तक कर लेना है, कुछ इस तरह से। फिर से आप लोगों को नेक्स्ट फोटो के ऊपर क्लिक करना है, इसका भी ड्यूरेशन नेक्स्ट बिटमार्क तक कर लेना है। तो कुछ इस प्रकार से आप लोगों को सारे फोटो को बिटमार्क के हिसाब से क्रॉप कर लेना है, जिस तरह से मैं आप लोगों को करके दिखा रहा हूँ। तो गाइस, इस तरह से सारे फोटो को क्रॉप कर लेना है। तो सारे फोटो बिटमार्क के हिसाब से क्रॉप करने के बाद लास्ट पर जो फोटो है इसका ड्यूरेशन जितना दूर सॉन्ग है उतना दूर कर लेना। देन ऐसे डन कर लेना। देन आप लोगों को लास्ट पे एक ब्लैक कलर लेयर मिलेगा, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करके इधर से इसको डिलीट कर देना है, फिर से फर्स्ट पोजिशन पर चले आना है। तो गाइस, इतना दूर हो जाने के बाद आप लोग को इधर से फोटोज के ऊपर इफेक्ट को ऐड करना है। तो पहले फर्स्ट ब्लैक फोटो के ऊपर क्लिक कर दीजिए, नीचे थर्ड नंबर पे इफेक्ट्स ऑप्शन के ऊपर क्लिक करिए। देन फोटो को खींच करके एकदम फर्स्ट पे ले आइए। इस फोटो के ऊपर आप लोग यहाँ पे व्हाइट इफेक्ट को सिलेक्ट करना है। व्हाइट इफेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद इसका जो ड्यूरेशन इसको लोग खींच के पूरा फोटो तक कर लेना है। देन नीचे जो ये पीरियड लिखा हुआ है इसका ड्यूरेशन कर लेना है एकदम फुल। फुल करने के बाद आप लोगों को नीचे राइट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके बैक आ जाना है। तो फर्स्ट ब्लैक फोटो के ऊपर आप लोगों को इस तरह से व्हाइट इफेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। देन इसके बाद में जो फोटो है इसको आप लोगों को छोड़ देना है। इसके बाद आप लोगों को थर्ड फोटो के ऊपर आ जाना है। इस फोटो के ऊपर आने के बाद फिर से नीचे इफेक्ट्स ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, फिर से फोटो को खींच करके फास्ट पे ले आना है। देन ये जो थर्ड फोटो है इसके ऊपर आप लोगों को जिटर ऑफ इफेक्ट को सिलेक्ट करना है। तो नीचे थोड़ा सा ढूंढ लेना है इधर से जिटर ऑफ इफेक्ट को, देन इधर से इसको अप्लाई कर देना है। इस फोटो के ऊपर जिटर ऑफ इफेक्ट को अप्लाई करने के बाद आप लोग को यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो नेक्स्ट फोटो के ऊपर आ जाओगे। अब नेक्स्ट फोटो के ऊपर फिर से आप लोगों को जिटर ऑफ इफेक्ट को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ से जितना भी फोटो है एक एक करके आप लोग यहाँ पे क्लिक करके नेक्स्ट फोटो के ऊपर जाना है। देन नेक्स्ट फोटो के ऊपर जिटर आपको सिलेक्ट करना है। तो इधर से जितना भी फोटो है सारे फोटोज के ऊपर इस तरह से जिटर ऑफ इफेक्ट को सिलेक्ट कर लीजिए।
तो सारे फोटोज के ऊपर इफेक्ट ऐड हो जाने के बाद आप लोगों को नीचे राइट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके इधर से बैक आ जाना है। देन फिर से आप लोगों को फास्ट इस पोजीशन पर आ जाना है। देन आप लोग यहाँ पे ब्लैक फोटो की बात में जो फोटो है इसके ऊपर आ जाना है। इसके ऊपर आने के बाद आप लोग नीचे थोड़ा सा खींचकर यहाँ पे लास्ट पे जूम ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। देन इधर से जूम आउट इफेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। नीचे आप लोगों को राइट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके बैक आ जाना है। सेम प्रोसेस आप लोग एकदम लास्ट फोटो के ऊपर आ जाना है। फिर से नीचे जूम ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके इधर से फिर से जूम आउट को सिलेक्ट करना है। नीचे राइट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके बैक आ जाना है। इस तरह से आप लोगों को कर लेना है। देन आप लोगों को नीचे बहुत सारा प्लस ऑप्शन देने को मिल जाएगा, तो कोई भी एक प्लस ऑप्शन के ऊपर पहले क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे थर्ड नंबर पे व्हाइट ऑप्शन के ऊपर सिलेक्ट करके यहाँ पे ड्यूरेशन को एकदम माइनस कर लीजिए। माइनस करने के बाद नीचे अप्लाई टू ऑल ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दीजिए, तो सारे प्लस ऑप्शन के ऊपर ये लाइट इफेक्ट ऐड हो जाएगा। देन थोड़ा सा आगे की तरफ जाना है। इधर से जो ब्लैक फोटो है और जो आपका फोटो है उसके बीच में जो प्लस ऑप्शन है इसके ऊपर भी व्हाइट इफेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा, तो इस प्लस ऑप्शन के ऊपर आ जाना है। इसके ऊपर आप लोगों को व्हाइट इफेक्ट को चेंज करके इधर से थोड़ा सा खींच करके ब्लिंक इफेक्ट को सिलेक्ट करना है। नीचे राइट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके बैक कर देना है। तो इस तरह से आप लोगों के इफेक्ट को चेंज कर लेना है। तो देन गाइस आप देख सकते हो आपका जो वीडियो है प्रीव्यू का जैसा बन के तैयार हो जाएगा। अब इधर से इसको सेव करने के लिए ऊपर में एरो ऑप्शन के ऊपर क्लिक करिए, नीचे राइट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके इस वीडियो को ऐसे सेव कर लीजिए। तो गाइस आज का वीडियो इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया है। वीडियो पसंद आया जरूर वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर नया तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।